देख सकते हैं हमारे पास इतनी ज्यादा क्वांटिटी में बलून सामने। गाइस जिनका हम इंतजार कर रहे हैं वो लोग आ चुके हैं बेसब्री। गाइस आपका स्वागत है आज के ब्लॉग में ब्लॉग में जो ये ब्लॉग है सोफिया शाह का, और जो आज हमने मतलब एक हाईजैक कर लिया है वो, हाँ वही समझ लो, हमने उसके लिए एक सरप्राइज रखा था क्योंकि उसके वन के वो जब कल लुधियाना से आया ना, जैसे प्रैक्टिकल एग्जाम देने गए तो हम घर पे थे, तो हमने ये प्लान किया, तो सबने कंट्रीब्यूट किया है, तो आज हम केक लेके आए उसको सरप्राइज देने के लिए, क्योंकि उसके 1K सब्सक्राइबर्स हो चुके हैं, अब हम उसको सरप्राइज देंगे जो कि उसका केक भी आ चुका है, तो हम केक लेने गेट पे ही जा रहे हैं, तो चलते हैं। चलो फिर कह रही थी मैं खुद भी केक कट करूंगी, अभी इसको नहीं पता है, हमने लाया है, वरना उसको वैसे भी कल करना था कट केक, अब देखते हैं। तो अब हमारा केक आ चुका है, जो पहले हम अपना केक कट करते हैं फिर देखते हैं वो क्या करेगी, फिर हम सोफिया के लिए, सोफिया भी अलग से कर लेगी अपना सेलिब्रेशन, वो अलग से एंजॉय करेगी। तो गाइस हमारा सामान आ चुका है जो अभी हमने मतलब ले लिया, उसको सरप्राइज देना, हमने वो सारा आ गया है और पेमेंट वगैरह हो गई है, तो ठीक है भैया, ओके बाय। तो गाइस सोफिया अभी बाहर गई है, तो हम पे थोड़ा सा टाइम है, वो अभी मार्केट गई है, तो हमारे पास ज्यादा से ज्यादा हार्डली 10 मिनट रह चुके हैं, जो हमने अभी पूरी डेकोरेशन उतना कोई डेकोरेशन नहीं करना, हमें थोड़ा बहुत ही करना है, लेकिन फिर भी अभी जब तक वो आएगी उसको हमने सरप्राइज देना है लेकर। ये रहा हमारा प्यारा केक, ओ माय गॉड, हमने इस पे करवाया है क्योंकि उसके 1K सब्सक्राइबर हो चुके हैं, मुझे 12 के क्यों लग रहा है, अच्छा 1K है इसमें, हाँ हाँ तो हमें अभी रात के टाइम कोई मिला नहीं, बट फिर भी बहुत मुश्किल से केक अरेंज कर लिए क्योंकि रात बहुत हो चुकी थी, तो जो डिलीवरी थी वो बंद हो चुकी थी, तो बहुत मुश्किल से, बहुत रिक्वेस्ट करके डबल पेमेंट दिए उनको हमने, तब जाके हमें केक और सामान सारा पहुंचा हुआ है। तो चलो डेकोरेशन करते हैं, तो यहाँ पे लगे हुए हैं गुब्बारे फुलाने में। गाइस सीन पता क्या हुआ, हमें अभी मतलब जो भी था हमने जल्दी जल्दी में ऑर्डर किया था, पर उन्होंने हमारे साथ गेम खेल लिया, हमें सारा सामान कॉस्टली पड़ गया, वो डर रही। और सबसे बड़ी बात, हमें बलून्स हार्डली गिन के 5-6 मिले हुए हैं, जो उसमें से भी आधे जो है हवा में है, किसी में कुछ है, किसी में कुछ है, तो हमारे पास ये कोई ये मत बोले कि आपने ऐसी डेकोरेशन की हुई है, इसको तो ये भी लगाया है बलून, और ये देखो ये फोड़ने में लगा है बस, हाँ। तो गाइस देखिए हमें कितना स्ट्रगल करना पड़ रहा है, मेरे रूम की हालत देखिए, और हमारा पोपट कर दिया उन्होंने, और ये देखो ये बच्चा क्या कर रहा है, बस हमारा इतना बड़ा पोपट किया, इतना बड़ा बिल बनाया, और बलून उसके अंदर 10, और देखिए वो भी इसमें से कुछ फट गए और कुछ थे फुसकी बम। अब ये है हमारे पास, जैसे अब हम यही करेंगे, छोटी सी हम सेलिब्रेशन करेंगे, बिल्कुल, तो बस यही होगा, छोटी सी सेलिब्रेशन में बस यही होगा, अब देखते बड़ी करेंगे तब, तो फिर अच्छे से खुद जाएंगे सामान वगैरह लेने जब 10 के होंगे इंशाल्लाह। हाँ, अब सोफिया का कॉल आया था, वो आने वाली है 5 मिनट में आने वाली है, तब थोड़ी पास में पहुंची है, तो हम फटाफट से ये करके क्लीन करके लाइट्स वगैरह ऑफ करके उसको हम सरप्राइज देंगे, वो भी हम आपको जरूर दिखाएंगे। गाइस आप देख सकते हैं हमारे पास इतनी ज्यादा क्वांटिटी में बलून सामने मतलब उन्होंने दिए हुए थे कि इतने ज्यादा हमने पूरे घर पे लगाए हुए हैं, उसके बाद बिल्कुल दो बच गए हुए हैं, तो हम आपको दिखाएंगे, पता नहीं किस बात के 800 रुपए लिए है उसने, भाई यार कसम से एक एक और ये सारा सामान आया है, बिल्कुल छोटा सा मतलब थोड़ा बहुत डेकोरेट किया है, थोड़ा सा क्या कोई नहीं, केक से मतलब है, हमें थोड़ा सा छोटा सा केक काटेंगे, छोटा सा एक व्लॉग ही बनाना था हमने, कि हमने मतलब 1K हो गया, तो हमने कुछ किया नहीं, ये सुबह को बोलेंगे उस वाले में जो लुधियाना से जब आया ना कल का, उसी वाले में डालेंगे क्लिप, हाँ उस पे ठीक रहेगा, छोटा ही बनाएंगे, थोड़ी सी सेलिब्रेशन दिखानी है हमने उनको कि हाँ हमने किया सोफे के लिए कुछ, बिल्कुल हमने खाली उसको नहीं जाने दिया, तो हाँ तो चलो मिलते हैं अभी अच्छे से, आप रेडी हो के, अब हमारे पास इतना टाइम नहीं क्योंकि सोफे आने वाली है, तो अगर वो उसने देख लिया ऐसे तो बहुत हमारा मतलब पोपट हो जाएगा, और हमारी आप सौरभ जोशी जैसे बन रहे हो चलो कोई नहीं बाय। गाइस सोफिया आने वाली है और डेकोरेशन कंप्लीट होगी, उतनी कुछ खास नहीं थी पहली का था, वो भी मैंने की है, इसने सिर्फ बातें की है बैठ के, हाँ बहुत मेहनत से किया मैंने, और ये हाँ इतना स्ट्रगल किया इसने टेप तोड़ने में, वो भी दांतों से, वो भी इतनी इतनी चूहे की तरह कुतरी है इसने जो हमारे भाषा में बोल जाए, तो इसने वो टेपे काट के नहीं दी है, कुतर के दी है। चलिए सोफिया बाकी फालतू छोड़ते हैं, सोफिया आने वाली है, तो हम उसका रिएक्शन भी रिकॉर्ड करके आपको जरूर दिखाएंगे कि कैसा बने रही आप हमारे साथ तब तक। गाइस जिनका हम इंतजार कर रहे हैं वो लोग आ चुके हैं, बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं वो लोग आ चुके हैं, देखिए गाइस
हेलो हाय क्या हाल है, कहाँ थे आप इतनी रात को? हम गए थे इनको लेने के लिए कहीं घूमने। दादी ने हज किया हुआ है तो वहीं से मिलके आ रही हूं, तो दुपट्टा लगाया हुआ है। बिल्ली भी वहीं से घुमाई है, देखो पैर ये लगे हाजियों से मिलने गई थी और देखो नहीं दुपट्टा अभी अभी उतारा है। लिपस्टिक देखी किलो किलो की पड़ी है, ये देखिए उन्होंने संभाल लाया। दादी ने मेरे लिए डोंट जज द बुक बाय इट्स कवर, हां उसको जजमेंट मत करो, मतलब जजमेंट मत करो। अबाया डाला था, पूरा अबाया डाला था, साफ होना चाहिए। तो अब और ज्यादा वकील बन रहे हो इनके? बिल्कुल बनेंगे, जो गलत है वो गलत है, जो सही है वो सही है। बिल्कुल बिल्कुल, पक्का कोई बात छुपा रहे हैं ये, वो हम जान कर ही रहेंगे। जब तक हम वो बात नहीं जानेंगे हमारे पेट में गुदगुदी होती रहेगी। चलो चलो, अंदर चलते हैं। सर चिकित्सक होगा वो रिएक्शन देंगे। सरप्राइज, इसकी आंखें खुल चुकी है। कांग्रेचुलेशंस फॉर वन के स्टाफ, थैंक यू सो मच। बॉडी का Congratulations once again. Thank you. How many खिलाओगे? नहीं। जबरदस्ती भाई। कैसा लगा आपको ये, मतलब? Thank you so much आप लोगों ने मेरे इतना सब कुछ किया। मेरा प्लान नहीं था वरना। हम ब्लॉग में बोले कि पूरा पूरा प्लान था। मैंने वो भी और कुछ। नहीं। कितना कंफ्यूज है। बस हो गया। आ तू वीडियो वाह, चाकू से अदू भी आया। यहाँ पे बच्चे अदू खा ले। गाइस यहाँ पे केक डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, और ये देखो कैसे तुम बेशर्मो की तरह खा रही हो। बस हो गया। हाँ जी हाँ बोलो बोलो। सो गाइस थैंक यू सो मच, आप लोगों ने मुझे इतना प्यार दिया, ऐसे ही प्यार देते रहिएगा। और मेरा कुछ प्लान नहीं था इस सब का तो, बट जो मेरे भाई वगैरह ने खुद ही प्लान बना लिया था। मेरा था प्लान बनने का, खास करके खुशी को थैंक यू, खास करके खुशी को थैंक यू, मेरी तरफ से फार्म को थैंक यू, तो इन और साहिल भैया को भी थैंक यू, उन्होंने मतलब इन तीनों ने मिलकर ही सब कुछ किया। तो बाकी आप लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा। मेरे चैनल का आज का ब्लॉग मैं यहीं पर एंड करती हूँ, क्योंकि अब कुछ दिखाने के लिए है नहीं, तो बस सेलिब्रेशन के लिए वीडियो बनाया हुआ था मैंने। बात नहीं कि हमने इंजॉय किया और बहुत गन डाल दिया, देखिए हमने बेशक इंजॉय किया, और लड़का इतना सियाना है बेचारा, इसकी वाइफ जो होगी ना फ्यूचर में उसको बड़ा सुख होगा। किस तरह झाड़ू लगा रहे हैं, देखिए टेढ़ा मेढ़ा झाड़ू लगा रहे हैं, झाड़ू में मारूंगा तेरे अभी देखिए। हाँ जी